पीडॉट प्रिया बीटी सीक्रेट्स। आई होप यू ऑल वेल। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों की काफी सारी क्वेरीज क्लियर करने वाली हूँ और मैं आप लोगों को बताऊंगी केराटिन हेयर ट्रीटमेंट के बारे में। क्या केराटिन और बोटॉक्स सेम है या नहीं है? केराटिन को कौन कौन करवा सकता है? केराटिन क्या काम करता है? क्या केराटिन से कैंसर होता है? और साथ में ये कितने समय तक बालों में टिकता है? आज मैं यही सारे क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप लोगों को मेरे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। केराटिन क्या काम करता है? केराटिन हमारे बालों में जो भी कलर की वजह से या डल डैमेज होने की वजह से जो कमजोर हो गए होते हैं हमारे बाल, उनको ठीक करने में मदद करता है। साथ में हमारे बालों की जो इलास्टिसिटी होती है उसको इम्प्रूव करता है ताकि हमारे बाल बहुत ही ज्यादा स्मूथ और सिल्की बने, और हमारे बालों के फ्रिज को कंट्रोल करता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि केराटिन ट्रीटमेंट काम कैसे करता है हमारे बालों के साथ। जो हमारे बालों की क्यूटिकल लेयर होती है वहां पर ये क्रीम पेनिट्रेट होती है अच्छे तरीके से, और उसके बाद हमारे बालों में जो भी डैमेज हो रखा होता है उसको ये रिपेयर करती है। और ये रिपेयर कैसे करती है? हमारे बालों में एक अमीनो एसिड चेन या फिर बॉन्ड होती है जिसको कि ये ठीक करने का काम करती है। ये एक तरीके का स्मूथनिंग ट्रीटमेंट है, इंटेंसिव ट्रीटमेंट भी हम लोग इसको बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप लोगों ने हाइलाइटिंग करवा रखी है या आप हाइलाइटिंग करवाना चाहते हो या आप कोई कलर करना चाहते हो तो आपके कितने दिन बाद आपको इस ट्रीटमेंट को करना है, या इसको पहले करना है या फिर बाद में करना है। तो केराटिन ट्रीटमेंट करवाने से पहले आप लोग इन सब बातों का ध्यान रखें कि अगर आप लोगों को हाइलाइटिंग करवानी है, कोई भी आपके बालों में कलर करवाना है, वो आप 2 से 3 दिन पहले करवा लें, उसके बाद आप केराटिन ट्रीटमेंट के लिए जाएं। तो ये आपके केराटिन ट्रीटमेंट को लंबे समय तक बनाकर रखेगा। अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं कि क्या इससे कैंसर होता है। बहुत ही सारी कंपनी जो कि केराटिन ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट्स ला रही है, लेकिन इसमें एक चीज पाई जाती है, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसा केमिकल है जो कि किसी किसी कंपनी के केराटिन प्रोडक्ट्स में मिला हुआ होता है, और जिस भी प्रोडक्ट में फॉर्मल्डिहाइड पाएगा उससे हमें कैंसर का खतरा हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें खतरा किस तरीके से है। जिस टाइम हम प्रोडक्ट को अप्लाई करते हैं अपने हेयर्स पर, उसके बाद हमें करना होता है प्रेसिंग। जिस टाइम आप प्रेसिंग कर रहे होते हो उस टाइम एक फ्लेम यानी कि एक धुआं सा निकलता है बालों में से, क्योंकि वो उसको पेनिट्रेट कर रहा होता है, और जो एक्स्ट्रा होता है वो उड़ जाता है, और वो उड़ता है तो वो धुएं के रूप में उड़ता है, और जब वो धुआं उड़ रहा होता है उसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्मेल होती है जिसको इनहेल करने से हमें कैंसर हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या सारे प्रोडक्ट्स में ही फॉर्मल्डिहाइड पाया जाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, बहुत सारी कंपनीज है जो केराटिन के प्रोडक्ट्स ला रही है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे जिसमें कुछ परसेंटेज फॉर्मल्डिहाइड है जो कि हमारे लिए ठीक है, हमारी हेल्थ के लिए ठीक है, और कुछ में बिल्कुल भी फॉर्मल्डिहाइड नहीं पाया गया। अब मैं आपका क्लियर करती हूँ कि क्या केराटिन और बोटॉक्स सेम है। जिस भी प्रोडक्ट में अगर आपको फॉर्मल्डिहाइड की थोड़ी सी भी परसेंटेज मिलती है, 0.6%, 1%, 2%, तो इसका मतलब वो केराटिन ट्रीटमेंट है। अगर आप लोगों को उस प्रोडक्ट में जरा सा भी 0% फॉर्मल्डिहाइड मिलता है तो वो आपका बोटॉक्स ट्रीटमेंट है। इसका मेन रीजन क्या है? फॉर्मल्डिहाइड आपका फ्रिज को कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि अगर आपके केराटिन ट्रीटमेंट में फॉर्मल्डिहाइड मिक्स है तो आपके 75-90% आप लोगों के बाल स्ट्रेट हो जाएंगे। लेकिन बोटॉक्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उसके अंदर 0% फॉर्मल्डिहाइड है, इसका मतलब वो नेचुरल है, उसको आप अपने हाथों से भी अप्लाई कर सकते हो, और साथ में उसमें कोई भी ऐसी स्मेल नहीं होगी। जैसे कि आप लोगों ने मेरी बोटॉक्स की अगर वीडियो नहीं देखी है तो वो आप चेक कर सकते हैं, मैंने आपको बोटॉक्स हेयर ट्रीटमेंट के बारे में भी सारी जानकारी दे रखी है। अब हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कि हमारा केराटिन कितने समय तक टिकता है। केराटिन ट्रीटमेंट हमारा मैक्सिमम 6-8 मंथ तक हमारा चलता है। इसका भी यही रूल है, आप जितना वॉश करेंगे ये उतनी जल्दी निकल जाएगा। तो जिन्होंने भी केराटिन करवा रखा है उनको ड्राई शैम्पू यूज करना चाहिए, हफ्ते में एक बार उन्हें अपने हेयर वॉश करने चाहिए। लेकिन अगर इन बिटवीन अगर उनकी ऑयली स्किन है, ऑयली स्कैल्प हो जाती है काफी ज्यादा, तो वो ड्राई शैम्पू का यूज कर सकते हैं। केराटिन जो ट्रीटमेंट होते हैं इनकी जो स्मेल होती है वो काफी ज्यादा हार्श होती है, तो जिनको भी एलर्जी की प्रॉब्लम है वो लोग खास तौर पर ध्यान रखें कि वो लोग मास्क लगाना ना भूलें। ये सब आप लोगों को सैलून्स वाले, पार्लर्स वाले भी प्रोवाइड करवा देते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल करना ना भूलें और एक बार उनसे कंसल्ट जरूर कर लें। अब हम बात करते हैं कि केराटिन का प्रोसेस कैसा होता है। केराटिन के प्रोसेस में 4 प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट हमारा क्लैरिफाइंग शैम्पू, सेकंड हमारा केराटिन ट्रीटमेंट यानी कि केराटिन क्रीम,
थर्ड होता है हमारा डिटॉक्स शैम्पू और फोर्थ होता है हमारा रिफिक्स मास्क। ये चारों चीजें हमारे केराटिन ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करी जाती है। ये जो ट्रीटमेंट होता है ये सिर्फ एक ही दिन का होता है, 2 से 3 आवर्स का ये ट्रीटमेंट होता है। आप लोगों को इसमें रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग की तरह नहीं करना होता कि थर्ड डे जाके हेयर स्पा कराएं, ऐसा कुछ इस ट्रीटमेंट में नहीं होता। 2-3 घंटे में ये प्रोसेस आपका खत्म हो जाता है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, नमस्ते।